दोस्तों, मैं चित्रकार कृष्ण कन्हई वृंदावन से। हजारों पेंटिंग कृष्ण की किसी आर्टिस्ट ने बनाई हो ऐसे इतिहास में नहीं है। सबसे अच्छी बात कन्हई पेंटिंग की ये है कि इनके भाव बहुत सुंदर आते हैं। ये भाव किसी अभ्यास से नहीं आते, ये ईश्वर की कृपा से आते हैं। पेंटिंग का मतलब ही सुंदरता है। अगर वो सुंदर नहीं है तो जैसे भोजन स्वादिष्ट नहीं है तो भाएगा नहीं। ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई है, ये मेरे हाथ हो सकते बनवा कोई और रहा है। अमिताभ बच्चन साहब के पास मेरी पेंटिंग है, जयप्रदा जी के पास है, संजय दत्त के पास है, जीतन जी के पास है। दोस्तों, मेरा जन्म वृंदावन का ही है और ये मेरा सौभाग्य है कि नाम भी कृष्ण, धाम भी कृष्ण का और काम भी कृष्ण का, ये तीनों बातें मुझे संयोग से जन्म से मिली हैं। बचपन में ही मेरी रुचि पेंटिंग की तरफ हुई थी और मेरी शुरुआत जो है वो स्कूल के ब्लैक बोर्ड से हुई। जब कोई टीचर बोलता था कि तू आर्टिस्ट का बेटा कुछ बना के दिखा, या दोस्त बोलते थे कुछ बना के दिखाओ, तो शुरुआत वहाँ से हुई और वो धीरे धीरे फिर वो कागज़ के पन्नों पर आई। तो मेरी पहली पेंटिंग 1975 में 4 रुपये में सेल हुई थी। स्वामी हरिदास जी का चित्र मैंने बनाया था, वो 4 रुपये नहीं थे। वो उस ज़माने में 4 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि पेंटिंग किसी को पसंद आई और वो लेके गया। तो ये बात 4 रुपये के बाद में फिर 11-11 रुपये से, 21-21 रुपये से, फिर वो धीरे धीरे वो एक प्रलोभन बढ़ा या एक रुचि बढ़ी या एक प्रोत्साहन हुआ तो वो पेंटिंग बनती गई और मैंने पिताजी के साथ करीब 1976 में जुड़ गया और तब से लेकर मैं आज तक ये यात्रा, कला यात्रा जारी है। पिताजी का पूरा योगदान रहा इसमें। माँ ने जन्म दिया, माँ बहुत प्यार करती थी, माँ बचपन से ही बहुत लाड रखा बड़ा था घर का मैं, और पिताजी ने मुझे गुरु की बारीकियाँ सिखाई, छोटी छोटी बातें सिखाई। जो भी गलती थी, पिताजी यहाँ चेयर पर बैठते थे, मैं उनके सामने एक ज़मीन पर बैठता था, जैसे वो बोलते थे कि कृष्णा क्या बनाया दिखा, तो मेरे हाथ कांपने लग जाते थे उस ज़माने में कि क्या बोलेंगे, क्या डांटेंगे, क्या कहेंगे। फिर वो जो भी गलतियाँ होती थी वो बुला के बैठाते थे, समझाते थे, ठीक कराते थे। उसी का नतीजा है कि मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ। चैलेंज मैंने लिया हर बार। जब मैं 22 साल की उम्र में था तो कलकत्ता में एक लेडी हैं किरण खेरुका, उन्होंने मुझे एक पोर्ट्रेट बनाने का ऑर्डर दिया। उसमें रावण सीता को हरण करके ले जा रहा है। उसने कहा कि मैं एडवांस नहीं दूंगी, पैसे नहीं दूंगी एडवांस में, आप बना के दिखाओगे दोगे, मुझे पसंद आएगी तो लूँगी। 22 साल की उम्र थी, मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। मैंने वो पेंटिंग बनाई, वो बिकी, वो उन्होंने पसंद करी, बहुत ली, फिर एक पेंटिंग का ऑर्डर और दिया। उसके बाद में जब मैं 27-28 साल का रहा हूँगा तब मुझे लगा कि अगर मैं खाली पिताजी को ही फॉलो करता रहा, या जो पेंटिंग गोल्ड पेंटिंग जिस तरह के काम हम लोग करते थे जो कन्हई शैली के नाम से फेमस हुई वही करता रहा तो मेरा अपना नाम कैसे होगा। फिर मैंने ब्रिज के कुछ कल्चर पर यहाँ की यमुना घाट शैली को मैंने एक तरीके से रिवाइव किया, यमुना किनारे की जो ग्रामीण जीवन है उसको मैंने उकेरा पेंटिंग में। उसके वो पेंटिंग बहुत पसंद आई, खासकर मीडिया को बहुत पसंद आई, क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए, तो मैंने कुछ फ्यूजन काम किया। फिर मुझे लगा कुछ और करना चाहिए, फिर मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए। मैंने एक पोर्ट्रेट अटल जी का बनाया, एक पोर्ट्रेट मैंने बिल क्लिंटन साहब का बनाया जो अटल जी गिफ्ट करके आए 2000 में। जब बड़ा कौतूहल था मेरे मन में जब मैं पेंटिंग को बना रहा था कि दुनिया के सर्वोच्च व्यक्ति की पेंटिंग में बना रहा हूँ और हिंदुस्तान का सर्वोच्च व्यक्ति उनको गिफ्ट करके आएगा, लेकिन वो बड़ा कामयाबी मिली उसमें, अटल जी ने बड़ी तारीफ़ करी। 2002 में मैंने अटल जी का पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट किया उनको, आडवाणी जी का बनाया और बहुत हेमा जी का बनाया, बहुत बिजनेसमैनों के बनाए। साथ ही 2016 में मैंने करीब 40 पेंटिंग उत्तर प्रदेश में जितने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं आज़ादी से पहले से लेकर और आज तक के, उन सभी के पोर्ट्रेट बनाए जो विधानसभा में लगे हैं। साथ में उनके जितने अध्यक्ष विधानसभा के हुए हैं वो सारे पोर्ट्रेट बनाए जो विधानसभा में लगे हैं। मुझे लगता है कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि जिसकी 40 पेंटिंग एक साथ किसी एक जगह देखने को मिले और वो विधानसभा में देखने को मिले, तो ये सौभाग्य मुझे मिला। सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो है नहीं,
सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है, अपना सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए तो बड़ी बात है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। सन 2000 में जब पिताजी को पद्म अवार्ड मिला तो बहुत खुशी हुई, मुझे लगा मुझे मिल गया, लेकिन मन में एक बड़ी हूक सी उठती थी, एक बड़ी तीव्र एक क्या मैं शब्द यूज करूँ समझ में नहीं आ रहा मुझे, एक बड़ी तमन्ना, मतलब अंदर से कोई लिखता था बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, शायद 10-20 साल के बाद मेरा नंबर आ जाए, लेकिन ईश्वर ने मुझे कृपा करी, 2004 में मुझे वो सम्मान मिला। मैं सुबह लगभग 10-10:30 बजे अपने स्टूडियो आता हूँ, 7-7:30 बजे स्टूडियो काम करता हूँ। अगर मैं वृंदावन में हूँ तो पूरे दिन मेरी पेंटिंग चलती है, पूरे दिन ये काम चलता है, और जब रात को सोता भी हूँ तो दिमाग में एक ही बात चलती है कि नई पेंटिंग कैसे बनानी है, नया काम कैसे करना है। और ख़ासकर आज जो ज़माना बदल गया, पहले हम टोटल ट्रेडिशनल पेंटिंग बनाते थे, अब ट्रेडिशनल के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी काम करने लगे, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे पेंटिंग रखी हुई हैं, थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी करने लगे, तो वो इन पेंटिंग की कॉपी भी नहीं होती, तो एक एक पेंटिंग के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हेल्थ मंत्र ये है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूरी है करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा टाइम सोचने में बहुत जाता है, सोचने में बहुत जाता है, और फिर करना पड़ता है, उकेरना पड़ता है एक चीज़ को, तो उसमें ज़्यादा है। हेल्थ मंत्र यही है कि आदमी को अपना हेल्थ के लिए अपडेट रहना, अप टू डेट रहना चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इंस्पिरेशन तो मुझे अपने पिताजी से ही मिली, उसके बाद में मैंने बचपन से श्रीमद् भागवत पढ़ी, सूरदास को पढ़ा, जयदेव जी को पढ़ा, और उन लोगों ने जो कृष्ण के बारे में कहा है, लिखा है, और जो गाया है, बजाया है, उसको हम कहीं ना कहीं पेंटिंग में लेके आने की कोशिश करते हैं तुलका के माध्यम से। और जो हम लोगों की पेंटिंग में स्वर्ण चित्रकला का है, तो उसका इतिहास आपको बताऊँ बहुत प्राचीन काल से है। एक दिन हम राम महाभारत पढ़ रहे थे, और महाभारत में जो राजा विराट के साले साहब थे कीचक, उनकी पत्नी सुमेधा के भाई थे, वो जब द्रौपदी और पांडव जो है अपने अज्ञातवास में थे, तो वो द्रौपदी को पटाने के लिए, उनको मोहित करने के लिए अपनी तारीफ करते हैं राजा कीचक कि मेरा महल ऐसा है, मेरा किला ऐसा है, और मेरे महल की दीवारें जो हैं वो स्वर्ण चित्रों से पटी हुई हैं। तो स्वर्ण चित्रों में पटी हुई है, इसका मतलब स्वर्ण चित्रों का इतिहास बहुत प्राचीन है, उसको समय समय पर रिवाइव किया गया। उत्तर भारत में बहुत लड़ाई झगड़े हुए पिछले 700-800 वर्षों में, तो ये कला प्राय खो गई थी। साउथ इंडिया में तंजौर पेंटिंग के नाम से रह गई थी, या महलों में कुछ वॉल्स पेंटिंग पर रह गई थी, तो आज से करीब जब 60 साल पहले कन्हैया जी वृंदावन आए तो उन्होंने इसको रिवाइव किया, और उसके बाद में मैंने इस काम को आगे बढ़ाया और बहुत चेंजेस किए, उसको लेकर यहाँ तक आए हैं जो आपके सामने। उनके बाल भाव पसंद आता है, उनका युवा बांसुरी बजा के राधा को रिझाने का भाव पसंद आता है, या फिर माखन चूरी पसंद आता है, या फिर अंत में महाराष्ट्र पसंद आता है, क्योंकि महाराष्ट्र की बात तो फिर वो मथुरा छोड़ चले आए थे, और मथुरा से फिर वो इंद्रप्रस्थ चले गए थे, तो ये भाव जो महाराष्ट्र से पहले के जितने भाव हैं वो हमने बनाए हैं, और वो बहुत लोगों को पसंद आए हैं। सबसे अच्छी बात कन्हैया पेंटिंग की ये है, हमारी पेंटिंग की ये है कि इनके भाव बहुत सुंदर आते हैं, ये भाव किसी अभ्यास से नहीं आते, ये ईश्वर की कृपा से आते हैं। अभ्यास करने से आप बहुत बारीक काम तो कर सकते हो, लेकिन भाव नहीं ला सकते। तो बहुत कम पेंटिंग होती है, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जिनकी पेंटिंग में भाव सुंदर आते हैं, और ईश्वर की कृपा से वो हमारे परिवार को कृपा मिली हुई है। मैं बोलता भी हूँ हमेशा हूँ कि ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई है, ये मेरे हाथ हो सकते हैं, बनवा कोई और रहा है। जब मैं आर्ट गैलरी में जाकर अपनी पेंटिंगों को देखता हूँ तो मैं खुद आश्चर्यचकित रहता हूँ कि ये क्या मेरे हाथों से बनी है, ये लगता कि नहीं सकती कोई और है, हाथ मेरे चल रहे होंगे, और ये निश्चित मान लीजिए ये सत्य बात है, क्योंकि न तो बन सकती हैं उतनी पेंटिंग, और न बिक सकती हैं
क्योंकि बायर भी चाहिए, उसको प्लाट लवर भी चाहिए जो खरीद के ले जा रहे हैं। तो ये सौभाग्य है कि लोग खरीद के ले गए हैं और लोगों ने अपने डाइनिंग रूम बेडरूम में लगाई हैं। मैं अगर आपको बॉलीवुड की बात करूं तो अमिताभ बच्चन साहब के पास मेरी पेंटिंग है, जयप्रदा जी के पास है, संजय दत्त के पास है, जीतन जी के पास है, हेमा जी के पास है, हेमा जी का तो मैंने पोर्ट्रेट भी बनाया है। अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो आदित्य बिरला साहब की मैंने पोर्ट्रेट बनाया है। इसके अलावा अभी अखिलेश गुप्ता थे जो बैडमिंटन क्रिकेट एसोसिएशन के बॉस थे, उनका मैंने पोर्ट्रेट बनाया है। इसके अलावा जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सुब्रत राय के साहब के पास मेरी बहुत पेंटिंग है, मेरी गोदरेज के पास मेरी पेंटिंग है, टीना अम्बानी जी के पास मेरी पेंटिंग है, ऐसे हिंदुस्तान में प्राय प्राय जितने बड़े घर हैं सबके पास पेंटिंग है हमारी। अध्यात्म तो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उसको तो ज़िंदगी से अलग कर ही नहीं सकते आप। अगर अध्यात्म को आध्यात्मिक नहीं है तो आप न पेंटिंग बना सकते हो, ना आप संगीत कर सकते हो। क्योंकि आप देखिए ना, किसी भी चीज़ का, क्लासिकल म्यूजिक हो, क्लासिकल डांस हो, पेंटिंग्स हो, इनका सब्जेक्ट सब अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सब कृष्ण से जुड़े हुए हैं, सब ने कृष्ण को ही बजाया है, कृष्ण को ही गाया है, कृष्ण को ही नाचा है और कृष्ण को ही लिखा है। सूरदास जी ने 1,25,000 पद लिखे बिना अंधे होकर भी। भजन मेरे फेवरेट तो बहुत हैं, वैसे मेरे पिताजी की और मेरे फेवरेट MS सुब्बलक्ष्मी साहब थी। मैं जसराज जी को भी बहुत सुनता हूँ। एक भजन जरूर है मेरे जो राजन साजन मिश्रा का गाया हुआ है, व्याकुल मन जब इत उत डोले तो कृष्ण कृष्ण काहे ना बोले। जब आदमी का मन व्याकुल हो, चंचल हो, परेशान हो तो कृष्ण कृष्ण भजना चाहिए। और ये भजन करने से, कृष्ण कृष्ण का अभ्यास करने से शांति भी बहुत मिलती है और ईश्वर की कृपा जरूर मिलती है। देखिए, वृंदावन की जो भूमि है, इसकी जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल अजीब है। आप जब जैसे ही वृंदावन टर्न करेंगे हाईवे से, आपकी खुद की फीलिंग बदल जाएगी। क्योंकि ये भक्तों की भूमि रही है, ये भजनों की भजन स्थली रही है, कथा भागवत यहाँ बहुत होते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन है वो आपको प्रेरणा करती है, आपको अध्यात्म की तरफ ले आने के लिए भी, एक कला की तरफ ले आने के लिए भी और पेंटिंग बनाने के लिए भी। तुलसीदास जी का एक दोहा याद आ रहा है मुझे कि वृंदावन और बैकुंठ को तोलो तुलसीदास, जो भारी रहो थो स्थिर रहो, हल्को गयो आकाश। तो वृंदावन की महिमा के बारे में क्या कह सकते हैं। और ये सौभाग्य है कि ये पेंटिंग वृंदावन में ही रचित हो रही है, बाकी बाहर मुझे लगता नहीं अगर मैं ये पेंटिंग बॉम्बे या दिल्ली बैठ के बनाऊँ तो वो भाव आएंगे। पेंटिंग तो बनेंगी लेकिन ये भाव आए कि नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में हैं। उनको शॉर्टकट चाहिए, 2 साल के कोर्स करने से ही नाम चाहिए, उसी से पैसा चाहिए, उसी से पेंटिंग बना के अपनी एग्जीबिशन लगानी है। लेकिन कला का माध्यम ऐसा है, ये साधना है। आपको कल 2 साल के काम से काम ही चलेगा, आपको 10-20 साल 25 साल साधना करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। साधना मेहनत करोगे तब जाके ईश्वर फल देता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप 2 साल के कोर्स करके पेंटिंग तो बना सकते हो, भाव नहीं ला सकते हो, लोगों को पसंद नहीं आएगी। तभी आप देखते हैं अक्सर आर्ट गैलरीज में आर्टिस्ट बैठे होते हैं, कोई देखने वाला भी नहीं होता है। पेंटिंग है, पेंटिंग के अलावा फोटोग्राफी है, संगीत सुनना है, बैडमिंटन खेलना भी है, पॉलिटिक्स तो नहीं है लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत दोस्त हैं, जाना आना रहता है, मिलते जुलते रहते हैं, बस यही है। वो जो पेंटिंग जब बनती है ना, नहीं वो खुद ऊर्जा देती है। एक पेंटिंग बनाई, क्योंकि आर्टिस्ट कभी मरता नहीं है, वो चूकता भी नहीं है, एक ही बनाई उसको लगता है कि अब इससे बेटर बनाऊँ मैं। वो बेटर बनाने की जो महत्वाकांक्षा होती है व्यक्ति को, वो उसको ऊर्जा भी देती है, वो उसको जिंदा भी रखती है। अगर आदमी सोचे कि मैं ये आज मेरा सबसे बेस्ट पेंटिंग हो गई तो वो गलत है, वो आर्टिस्ट उस दिन ख़त्म हो जाएगा। आर्टिस्ट तभी जिंदा है जो रोज़ सीखता रहे, रोज़ ऊर्जा मिलती रहे और रोज़ नया काम करता रहे। कि जो बनाई वो पिताजी कहते थे एक बात, बड़ी अच्छी बात थी, पेंटिंग बनाओ उसको पैक करके रख दो, भूल जाओ, फिर नहीं बनाओ तो मुझे बनाने में मज़ा आएगा। अब बार बार उसी को देखोगे तो आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मैं भी यही करता हूँ, पेंटिंग बनाई, 2-3 पेंटिंग बनी, पैक करके आर्ट गैलरी में भेज दी, उसके बाद फिर नया काम।
सर हम लोग दो भाई हैं और मेरे दो बच्चे हैं, दोनों पेंटिंग के फील्ड में ही हैं, सिद्धार्थ और अर्जुन। दोनों की स्टाइल अलग अलग है, मॉडर्न पेंटिंग करते हैं दोनों, लेकिन ये कन्हाई घराने की तीसरी पीढ़ी है जो इस काम को आगे बढ़ा रही है और मेरे ख्याल से ये आगे बढ़नी चाहिए, चौथी पांचवी पीढ़ी भी जानी चाहिए, क्योंकि जो काम हमने शुरू किया है ये काम आगे तक जाना चाहिए और बच्चों को भी सिखा रहे हैं हम, जिससे कि ये कला कभी मरे नहीं, ये जिंदा रहे। देखो सर, अभी तो सच बात तो ये है कि मैं पेंटिंग में बहुत बिजी रहता हूँ, इसके अलावा भी जब कभी भी कोई मेरे पास इन्विटेशन आता है सोसाइटी के लिए, मैं ज़रूर जाता हूँ, ज़रूर पार्टिसिपेट करता हूँ और ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन अभी दो चार साल में सोचता हूँ और करूँ इस पेंटिंग को, और उसके बाद में मेरा विचार है कि मैं एक कन्हाई आर्ट अकादमी खोलूँ जिसके माध्यम से लोगों को पेंटिंग सीखने का मौका मिले और पेंटिंग के साथ साथ वृंदावन जो संगीत की भूमि है, स्वामी हरिदास की भूमि है, उस भूमि के हिसाब से संगीत, नृत्य और पेंटिंग तीनों का एक कॉम्बिनेशन बने, ऐसा एक कॉलेज बनाने का, एक अकादमी बनाने का मन है। ईश्वर की इच्छा हुई, बिहारी जी की कृपा हुई, तो वो ज़रूर मैं करना चाहूँगा। इंडियन हिस्टोरी के व्यूअर्स हैं, उनको मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, वो कुछ भी करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन आर्ट का जरूर कुछ न कुछ कला से जुड़ा हुआ काम जरूर करें, क्योंकि वात्स्यायन ने कहा था कि किसी भी पुरुष के घर में कला सामग्री जरूर होनी चाहिए। बचपन से जो आदत पड़ेगी आपके बच्चों को, आपको, आपका माहौल जो कला किसके कला सामग्री के पास रहेगा, या पुरुष हो या म्यूजिक का कुछ हो या कुछ और चीज़ हो, तो आपका मन उसमें कभी कभी करने को करेगा और कला से जो आत्म शांति मिलती है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती है।